इंदौर के आजादनगर थाना क्षेत्र में हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां बारात में डांस के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुए विवाद के चलते चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। घटना में एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए MY अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आजादनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक पवन पुत्र नगर में कल घटना हुई है हत्या की। इसमें अनिल चौहान की शादी थी और इनके रिश्तेदार हैं अपना विनोद चौहान। तो विनोद चौहान और विनोद की बुआ का लड़का मनोज पवार, ये शादी में डांस कर रहे थे। डीजे वाले को गाड़ी को लेकर कुछ विवाद हुआ तो कुछ कहा सुनी हुई, इसने गुस्से में उसको शायद कुछ बोल दिया, उसको अपने डीजे वाले को अशोक को। डीजे था एक भीम का डीजे था पालदा का, और अस्सू सिलावट उसका ड्राइवर था। विवाद हुआ तो अस्सू ने अपने फ़ोन करके भाइयों को फ़ोन करा कि लाखन जल्दी आ, मचमच हो गई। तो उसका भाई लाखन और एक दीपक अस्सू के, ये तीनों आए और आते से ही इन्होंने विनोद को और मनोज को मारना चाकू शुरू कर दिया। दीपक को पीठ में लगा चाकू, गिर पड़ा वो, ब्लड ज़्यादा वहाँ, जब तक हॉस्पिटल लेके आए उसकी मृत्यु हो गई। और जो मनोज पवार है उसका इलाज चल रहा है अभी, उसके पैर में चाकू लगे हुए। तो इसमें अस्सू सिलावट, दीपक सिलावट और लखन सिलावट तीनों भाई हैं, इनके विरुद्ध धारा 307, 302 भारतीय दंड विधान का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। तलाश जारी है इनकी और मृतक का भी PM हो रहा है। इसमें लोकेशन जो भी इनकी आगे मिलेगी और साक्ष्यों गवाहों के आधार पर आगे कार्रवाई करके शीघ्र गिरफ्तारी करके इसमें